Okay, hello everyone, and welcome to AD Education once again. So I know CTET का paper one complete हो चुका है. आप लोगों की काफी request आ रही थी sir answer की चाहिए. तो मैं थोड़ा busy था. तो अभी मैं आपको CDP की answer की provide कर रहा हूँ फिलहाल. आगे भी मैं answer की upload कर दूँगा आप लोगों के लिए. और फिलहाल CDP का जो section है बाल विकास शिक्षा शास्त्र child development pedagogy उसकी answer की देख लीजिए. English मैं दिया हूँ paper या हिंदी में. आप लोगों को आंसर पता चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आइए देख लेते हैं इसको. और बहुत इजी रहा है मेरे हिसाब से. 30 में से 30 नंबर आई एम श्योर आपके आने चाहिए, क्योंकि मेरे जरिए अगर आप पढ़े हैं यहाँ पर और हमने जो तैयारी की है, चाहे यहाँ पर की हो एडी एजुकेशन चैनल पर यहाँ या फिर मेरे अनअकैडमी पर जो मेरे लेक्चर्स हैं अगर आपने देखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. केवल क्वेश्चन करके ही आपका काम हो गया होगा, इस तरह से हमने पढ़ाई की थी. ठीक है, चलिए चलते हैं और देखते हैं आज के इजी सेक्शन को. और अगर चैनल पर नए हों तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए. काफी लोगों ने बेनिफिट लिया है, आप लोगों को मिलेगा और आगे भी आंसर की वगैरह मैं शेयर करूंगा. तो सब्सक्राइब और बेल बटन दबा लीजिएगा. और अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कंटेंट हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मैं शेयर करता रहूंगा. तो बेस्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं सभी टेट एग्जाम्स की. चलिए फटाफट मैं आंसर बताऊंगा आपको, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. डिस्कशन हम बाद में करेंगे कौन सा क्वेश्चन क्या था, कैसे ऑप्शन थे. फिलहाल मैं फटाफट से आपको आंसर बताता जाता हूँ ऑप्शंस के साथ में. तो पहली बार में तो आपको यही जानना होगा, अभी उसी से मतलब है आपको, तो ठीक है उसी पर ध्यान देते हैं हम. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पेपर वन की आंसर की है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए. ओके, तो क्लियर रहिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से. पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर है यहाँ पर फर्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे. तो पहला आंसर है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करने और दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. ओके, ध्यान रखिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड जो है वो यहाँ पर है, चालक विकास की दर व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश की ओर चलता है. तो इसका आंसर होगा थर्ड, विकास जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट तक चलता है, विकास अपरिष्कृत से परिष्कृत की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है. तो ये जो ट्रांजिशन की बात की गई है उसका आंसर होगा फर्स्ट, एडोलेसेंस इज द राइट आंसर, किशोर अवस्था इसका राइट उत्तर होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला जो क्वेश्चन है काफी कुछ बड़ा सा था, पढ़ने में बड़ा टफ लग रहा था, पर आंसर बहुत इजी था. यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की गई है दंड की और आज्ञा पालन की. तो ये जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन. अकॉर्डिंग टू मी ये सही होगा. अगर कोई क्वेश्चन एक हाथ इधर उधर हो सकता है, बट 99% सही है, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम. 99% तो ये सही है. तो थर्ड इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा. इसका आंसर है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, लव वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है. ओके, दूसरा इसका राइट आंसर है, सेकंड इज द राइट आंसर. छठवा है यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि जो पहनावे को लेकर, कामकाज को लेकर, हर चीज को लेकर जो लड़के लड़की में एक भेद होता है वो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शाता है. तो सेकंड इज द राइट आंसर. अगला है यहाँ पर सातवा, प्रारंभिक कक्षा कक्ष वाला जो है अनुभव लाता है अगर बच्चा, तो उसको शामिल करना चाहिए. लास्ट का जो ऑप्शन है फोर्थ नंबर का, वो इसका राइट ऑप्शन होगा. ओके, एट नंबर का क्वेश्चन है शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए, फोर्थ ऑप्शन, संप्रेषित करे कक्षा कक्ष की संस्कृतियों का सम्मान करता है वो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर का शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में, तो ये आंसर होगा इसका इंक्लूसिव एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सबसे ज्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करता है. अगला है दसवा, अगला भी जो आंसर होगा वो इंक्लूसिव एजुकेशन ही होगा, समावेशी शिक्षा फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर. पहला यही विचारधारा सभी को समान शिक्षा की बात करती है और सिंपल सा आंसर है. ओके, अगला है यहाँ पर ग्यारहवा प्रश्न, जोड़ी बनाओ का क्वेश्चन था ये, पेयर्स बनाने थे, तो आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, मिलान कर लीजिएगा, DABC यानी कि सेकंड इसका राइट आंसर है, टिक कर दिया है, जोड़ी मिलाने का क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा. ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, तो चौथा इसका राइट आंसर है, गतिविधियों में सक्रिय भाग लेकर, एक्टिव पार्टिसिपेशन के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए थे, तो बच्चों जैसे क्वेश्चन थे आप लोग फटाफट कर गए होंगे इनको, आई एम श्योर. बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा आंसर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर. चौदह प्रश्न जो है कौन सी मुख्य प्रक्रिया वाला जो है वो है मेमोराइजेशन और रिकॉल, ये काम नहीं करती है, बाकी सब तो ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी. ओके, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं बच्चे, इस प्रश्न के अनुसार ये चीज आंसर होगा इसका फर्स्ट.
15 के बाद है हमारा 16, बच्चों की गलतियां एक स्वाभाविक हिस्सा है सीखने का। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस करवाया है, रिपीट क्वेश्चन था, बहुत आसान था। थर्ड ऑप्शन आंसर है इसका। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को क्या कहते हैं, ये एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग है। इजी क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट करके मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी इसकी। ओके, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का हो गया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया। सीधी सी बात है, थर्ड ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, एक एक्टिव सोशल प्रक्रिया है। अगला है 19वां, इसमें जो बात की गई है वो संज्ञान और संवेग के बारे में की गई है, और सीधा बात निकल कर आ रही है कि संज्ञान संवेग से अलग नहीं है, नो सेपरेबल नहीं है ये, तो यही इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, बाकी सीटेट वाले क्या करते हैं देखते हैं। 20वां प्रश्न का आंसर होगा बच्चों को समस्याओं के बारे में सहज अनुमान लगाने और बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, 20th नंबर के क्वेश्चन का, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 का, इसका आंसर होगा लर्नर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि ऐसे में ही बच्चों को अपनी खुद की प्रयास और प्रयोग करने का मौका मिलेगा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, दिस इज द राइट आंसर। थर्ड, 22वें प्रश्न का आंसर है बुद्धि बहुआयामी होती है, बुद्धि के बारे में सबसे सटीक बात यही है, हम जानते हैं कई तरह के इसके डायमेंशन होते हैं। अगला है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, परिवार। सीधी सी बात है, 50 बार मैंने आपको इसको बताया है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, तो चौथा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से अलग होती है। ओके, लास्ट है ये आंसर, फोर्थ इसका राइट आंसर है, ये बाकी निशानों पर ध्यान मत दीजिएगा। अगला है यहाँ पर 24वां प्रश्न, हाँ ये तो हो गया, जेंडर वाला है। जेंडर का तो सिंपल आंसर है, एक सामाजिक संरचना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है, मैंने आपको बताया है 50 बार इसको। थर्ड इज द राइट आंसर। 26वां है यहाँ पर, फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, तो ये जो फर्स्ट है मेरे हिसाब से फर्स्ट आंसर होगा, अगर कुछ और हो तो प्लीज इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर होगा। 27वां जो है वो होगा फर्स्ट आंसर, आई एम सॉरी, लास्ट आंसर होगा इसका फोर्थ, फर्स्ट वाले पर ध्यान मत दीजिएगा, ये नहीं है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, बच्चों को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार और दंड दोनों ही चाहिए। 28वां प्रश्न जो है वो है सक्रिय अन्वेषक के रूप में होना चाहिए, यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में यही चीज सिखाई जाती है कि एक्टिव रिसर्चर बने बच्चे, कहीं ना कहीं ये चीज बहुत जरूरी है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में होता है। अगला है 29वां, लैब बायोग्राफी की बात आती है तो सामाजिक गतिविधि कही है उन्होंने, नो डाउट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 50 बार हमने किया था इसको। और 30वां प्रश्न है कौन सा पूर्व अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है, तो भाई इररिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, प्रोनाउंसिएशन में ऐसे मुश्किल होती है, पर विचारों की अनुत्क्रमणीयता, दिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, तो भाई ज्यादातर मेरे आंसर सही होंगे आई एम श्योर, बट एज अ ह्यूमन एरर ये पॉसिबल है कि कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, तो प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, आप और लोगों के वीडियोस भी देख सकते हैं, जनरली यही आंसर होंगे, आगे भी मैं प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करिए, आगे भी टेट की तैयारी करनी है हमें, दिस इज नॉट द एंड। ओके, आगे भी मैं शेयर कर दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, एंड प्रिपेयर विथ दिस बेस्ट चैनल एंड बेस्ट कंटेंट, अनअकैडमी पर भी और यहाँ पर एडी एजुकेशन पर भी, दोनों ही जगह आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फ्री कंटेंट के लिए भी और पेड कंटेंट के लिए भी। ओके एवरीवन, सो सी यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, काफी लोगों को जरूरत होगी, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।